नमस्कार दोस्तों। हाँ भाई, कैसे हैं आज दोस्तों? 13 अप्रैल 2020। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने नीट प्रीवियस पेपर 2013 टू 2019, 13 से लेके 19, पिछले 7 साल के प्रीवियस पेपर हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, जिसमें नीट 16 दो बार हुआ था, इसलिए उसको हम मानते हैं 8 पेपर्स का सोल्यूशन यहाँ चल रहा है। दोस्तों 360 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट सोल्ड करने हैं, 180 क्वेश्चन सोल्ड हो चुके हैं जो टोटली 11th के हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि 50% आपका 11th है और 50% आपका 12th है। आज हम क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करेंगे, जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। तो आज हम 181 से लेके 202 क्वेश्चन, सर 181 से लेके 202 तक जाएंगे। आज हम 22 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर, स्थिर विद्युत की और संधारित्र क्वेश्चन है। दोस्तों वही रोज की तरह आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को आज आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूं 6 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, यानी 180 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन डाल चुके हैं। जो सीएलसी सीकर हमारी यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप वहां जाके देख लें, सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। हमारे सीएलसी सीकर फेसबुक पेज पे ये है और हमारे यूट्यूब चैनल पे ये है। ओके डियर, स्टार्ट करें, चलो आ जाएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181 आप देखें, आप क्वेश्चन पढ़े। ओके आओ शुरू करें बात को भाई। ये कहता है दोस्तों ए बी सी आर थ्री पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए बी सी। दोस्तों अपन जानते हैं कि ए बी सी 3 बिंदु हैं और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है डियर, आपको बताना ए बी सी में पोटेंशियल क्या क्या है। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, आप याद है ना, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, बस। यानी वी ई की डायरेक्शन में आप चलोगे तो ई की वैल्यू, सॉरी ई की डायरेक्शन में आप चलोगे तो वी कम होता है, ई की डायरेक्शन में आप चलोगे तो वी की वैल्यू कम होती है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सबसे कम किस पे है, ए पर है, उससे ज्यादा किस पे है, बी पर है, सबसे ज्यादा किस पे है, सॉरी सबसे ज्यादा किस पर है, बी पर, उससे कम सी पर, उससे कम ए पर। मतलब पूरी बात दोस्तों लिख देता हूं, लो सबसे ज्यादा वी बी, उससे कम वी सी और उससे कम वी ए। अगला क्या कहता है, सी पर अधिकतम ना, सभी बिंदु समान ना, ए पर अधिकतम ना, बी पर अधिकतम ना। ये लो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया भैया, बी पर अधिकतम, बी पर मैक्सिमम। तो 181 का दोस्तों आंसर हो गया 4th। लेकिन यहां फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई, आप जानते हो रिलेशन होता है एक ये, जिसको अपन स्लोप कहते हैं, इसका एक शब्द हिंदी विभव प्रवणता, वोल्टेज ग्रेडियंट, E इक्वल टू, तो ये तो थोड़ी हाई फाई भाषा होगी, बाकी मोटी बात ही है यार। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, इंटेंसिटी की डायरेक्शन में आप चलोगे तो V की वैल्यू कम होती है। यानी सबसे ज्यादा कि कहां पर है, वी बी पर है, उससे कम सी पर है और उससे कम ए पर है। ओके, उन्होंने पूरी बात कह दी, आंसर मिला दिया, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 182 नीट 2013 में क्वेश्चन आया, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ ले पूरा, क्या है पढ़ लिया। अब देखो मैं बताऊं प्रश्न क्या है, कि ये कोई एक बॉडी मान लो, बोल मान लो, एक बोल ये है, एक बोल ये है, अगला कहता है भैया दोनों पे इक्वल चार्ज है, एक रस्सी से बंधे हुए हैं, ये डिस्टेंस वाई है, ये डिस्टेंस आर है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगला साफ कहता है लटकाया गया, संतुलन की अवस्था में इनके बीच की दूरी आर है। अब वो कहता है कि इस रस्सी को यहां से बांध दे ऐसे, ये डिस्टेंस वाई बाई टू, ये डिस्टेंस आर डैश हो गई, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, बस यही खेल है दोस्तों। देखो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, चार्ज दोनों पे क्यू क्यू है, चार्ज चेंज नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, और सबसे बड़ी चीज है ये आपके एंगल भी चेंज होंगे। तो दोस्तों ये एक अच्छा सा डेरिवेशन है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज आप आए, अगला पेज निकाले लो। दोस्तों सबसे पहले क्या कह रहा अगला, कि ये एक पहला हिस्सा इसका ये है ना, ये डिस्टेंस क्या है आर, ये डिस्टेंस क्या है वाई, ये पहला डायग्राम है, ध्यान दे क्लास, एक अच्छा, इस पे बहुत सी बातें पिट रहे हैं। देखो ये क्यू, ये क्यू, अब आप देखो ये टेंशन क्या है टी, ठीक है डियर, ये टेंशन क्या है टी, अब अपन इसको बैलेंस करें, ये एंगल दोस्तों थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा थीटा, तो ये क्या बनेगा टी कोस थीटा, इधर ये क्यू क्यू डिस्टेंस आर है, तो एफ ई लगेगा,
कितना एफ ई लगेगा, के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम जी क्या होता है नीचे की ओर, ये कंपोनेंट क्या हो गया दोस्तों टी साइन थीटा, देखो ये टी कोस थीटा, ये टी साइन थीटा, ये आपका एम जी नीचे की ओर है वो एफ ही है। अगला कहता इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब एक्स पे भी फोर्स जीरो है वाई पे फोर्स जीरो है, तो जितना वाई पे ऊपर की उतना वाई पर नीचे की ओर है, जितना एक्स पे इधर है उतना इधर है। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्स को भी जीरो कर लो वाई को जीरो कर लो आपस में बैलेंस कर लो, तो तरीका जो तो तेरे सामने सामने क्या निकला टी साइन थीटा इक्वल टू क्या बना भाई के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। और ऐसे ही टी कोस थीटा की बात करेगा तो टी कोस थीटा किसके इक्वल है एम जी के इक्वल है। अब दोस्त एक में दो से भाग दे ले तो तेरे सामने टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा रे टेन थीटा, क्या होगा टेन थीटा के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर एम जी। अब टेन थीटा क्या है तो देख ये तेरा थीटा है ना, तो देख ये तेरा थीटा बना आ जा, तो ये टेन थीटा क्या होगा भाई हाइट अपॉन लेंथ, टोटल डिस्टेंस क्या है आर, ये क्या बची आर बाई टू, ये क्या है वाई, तो व्हाट इज टेन थीटा आर बाई टू वायु, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें दोस्तों ये आपका इक्वेशन नंबर एक हो गया, और इसको थोड़ा सोल्व कर लूं मैं तो ये आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा रे आर क्यूब, इधर ले जाओ ध्यान दे क्लास, तो ये तेरा एम जी इधर है, इस दो को इधर लिया, ये है टू के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन एम जी। देख भाई मैंने पूरा तेरे सामने सोल्व कर रहा हूं, आर क्यूब उधर ले जा तो टू के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन एम जी, ये डियर तेरा एक फॉर्मूला हो गया, एक इक्वेशन हो गई, कोई नई बात नहीं इसमें, मैंने इसको मिटा दूं देख लिया एक बार आ जा। अब इसको मिटा के मैं जो दूसरा तेरा केस है उसकी बात करूं, दूसरा केस तेरा ऐसा है, इस बार क्या है ये डिस्टेंस बीच की क्या हो गई आर डैश, और दोस्तों डिस्टेंस आर डैश हो गई, और अगला कह रहा है ये डिस्टेंस जो है तेरी ये वाई बाई टू हो गई, कितनी हो गई वाई बाई, अपन ने मैं नहीं कह रहा हूं भाई इसको आप क्वेश्चन देके स्पष्ट, अगला वाई बाई टू कह रहा है, बस ये एंगल थीटा, ये दोस्तों आपका टी वही कंपोनेंट तोड़े ये थीटा, तो ये थीटा दिस बिकम्स टी कोस थीटा किससे बैलेंस एम जी, और ये इधर कौन होगा टी साइन थीटा, इधर आपका वही एफ ई, तो यहां एफ ई क्या है वही के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, ध्यान दे क्लास आर डैश का स्क्वायर, ठीक है डियर कुछ नहीं कहने आया मैंने देख। अब जिस तरह से आपने इसका सॉल्यूशन किया था वैसे मैं इसका सॉल्यूशन कर दूं सीधा, तो आप खुद देखेंगे दोस्तों टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, वही साइन से कोस डिवाइड करो क्या बनेगा आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा के क्यू स्क्वायर आर डैश का होल स्क्वायर एम जी, और व्हाट इज टेन थीटा, थोड़ा कलर चेंज कर दो तेरे लिए, ये देख ये तेरा क्या बना टेन थीटा, तो ये दूरी क्या है आर डैश, ये क्या है आर डैश क्या दी आर डैश, तो ये आर डैश बाई टू और ये y by 2, तो टेन थीटा क्या होता है लंबटे आधार हाइट अपॉन लेंथ, तो हाइट क्या है r डैश बाई टू, लड़के क्या है r डैश बाई टू अपॉन ये क्या है ऑलरेडी y by 2, तो ये y by 2 पर हो जाएगा टेन थीटा क्या होगा लंबटे आधार, लंब क्या है r डैश बाई टू, ये क्या है y by 2, तो टेन क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है R डैश बाई आधार क्या है y बाई टू, तो टू से टू पर चला जाएगा, तो ये तेरे सामने एक रिलेशन आ जाएगा R डैश अपॉन y, ठीक है डियर। अब मैं इसको भी लो इसी कदर में तेरे सामने कर दूं, तो यहां भी तू इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये तेरा क्या बनेगा R डैश क्यूब, देखो बनेगा ना R डैश क्यूब, R डैश क्यूब इक्वल टू क्या होगा रे इसको बिटा दे बीच में से, इसको खत्म कर दे, तो ये तेरा क्या है उधर y ऊपर जाएगा, तो ये क्या बचेगा k क्यू स्क्वायर वाई अपॉन एम जी, बोल हाँ या ना, ये तो है बस, इसको अपन कह सकते हैं इक्वेशन वन, इसको कह सकते हैं इक्वेशन टू, आपको आर और आर डैश रिलेशन चाहिए तो मैं तेरे लिए मिटा दू इसको डियर। अब आप ऐसा करो इसको डिवाइड कर दो आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब, क्या है आर क्यूब टू के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन एम जी, अपॉन क्या है रे के क्यू स्क्वायर वाई
अपॉन एम जी, एम जी एम जी, के से के, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, वाई वाई सब कैंसिल आउट हो गए। तो दोस्तों आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इक्वल टू टू, आप ऐसा करें इसका दोनों तरफ है क्यूब कर दे तो ये क्या आ गया, टू की पावर वन बाई थ्री अपॉन एन। प्लीज क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, तो आपको रेशियो पूछा है। अब संतुलन की स्थिति में दोनों बालों के बीच की दूरी क्या होगी, उसने आपसे आर डैश पूछा है तो आर डैश उधर ले जाओ तो क्या बन गया, आर अपॉन टू की पावर वन बाई थ्री। देखो ये रहा, आर अपॉन टू की पावर रूट वन बाई थ्री, रूट वन बाई थ्री ए, ये लो जी आपका फोर्थ आंसर आ गया दोस्तों। 182 का आंसर क्या हो गया भाई हमारा, फोर्थ। ठीक है डियर, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 182 के बाद सीधा मैंने 191 लिया है कि दोनों में लॉजिक इनिशियली एक जैसे ही है तो मैं इनको एक साथ कर देता हूं। देखो दोस्तों क्या कहता है कि किसी बिंदु से यानी किसी पॉइंट से एल लंबाई की दो मास्टलेस डोरी लटकी हुई है, उन पे नीचे दो बोब लटके हुए हैं, दो बॉडी मान लो, उनको मैंने चार्ज कर दिया और उनके बीच रिपल्सन का फोर्स है यानी कुल मिला के बात है दोनों को समान क्यू क्यू चार्ज दे दिया। वो आप ऐसे देखो, ये दो रस्सी है और ये ऐसे ये यहां आ गई, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहता है अगला, डी, जो रस्सी की लंबाई से बहुत कम है। अब वो कहता दोस्तों ये जो बॉडी है, ये जो आपकी बॉडी जो है, इनमें से चार्ज का लीकेज हो रहा है, लेकिन ध्यान देना नियत दर से आवेश का क्षरण हो रहा है। नियत दर का मतलब दोस्तों यहां होगा dQ अपॉन dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। काम आएगा सॉल्यूशन में भी। देखो पहले चार्ज क्या है, क्यू क्यू है, फिर वो कहता है कि जैसे मटके में से पानी निकलता है ना, वैसे चार्ज बॉडी में से हमारा चार्ज निकल रहा है, कोई निकलने का फर्क पड़ता है, लेकिन dQ/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अगर स्पष्ट कहता दोस्तों रेट ऑफ लीकेज है ना कॉन्स्टेंट है, बस उसके बाद आपको इतना कहता है कि इससे दोस्तों निश्चित बात है जब चार्ज निकलेगा तो उनके बीच लगने वाला जो कूलाम का रिपल्सन का फोर्स है एफ के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, जब चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो ये पास आएंगे। तो कहता है दोनों बॉडी किस वेग से, किस वेलोसिटी से पास आ रही है, उस वी और उसके बीच की जो एक्स है, ये डी जो है ना, इस डी को इसने एक्स के रूप में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस एक्स और वी के बीच आपको रिलेशन बताना है। बात भी पड़ गई मेरी, बस अब मैं इसका पूरा सूत्र कर देता हूं। आजा बोर्ड खाली कर ले भैया। देखो डियर ये दो बॉडी है, इनके बीच की दूरी आप एक्स मान लो क्योंकि आपको डी को एक्स में कन्वर्ट करना है। ओके डियर, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एल, ये अपन जानते हैं कहने की बात ही नहीं है, ये एंगल अपन क्या मान लेंगे थीटा, फिर वही दोस्तों की चीज, ये टी, बस चार फोर्स, ये थीटा, तो ये एंगल थीटा, ये क्या बना टी कोस थीटा, कौन बैलेंस करेगा एम जी, ये क्या बनेगा टी साइन थीटा, कौन बैलेंस करेगा एफ ई, एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, कौन के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर, ये तेरे सामने यहां तक एक बात आ गई, बस अब दो कंपोनेंट लेंगे टेन थीटा बनाएंगे वैल्यू, बस सिंपल सॉल्यूशन है। आ जा टी टेन डायरेक्ट नहीं भाई, टेन डायरेक्ट नहीं, राइट नहीं, डायरेक्ट नहीं, एक्सटेंड करना पड़ेगा, टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, यहां तेरे लिए सीधा कर दो तू कहे तो जगह बचे मेरी, टेन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर। अब टेन थीटा मुझे नहीं पता क्या है तो आ जा देख, ये टेन थीटा हो गया तेरा दोस्त, ये तेरा टेन थीटा है, ये देख ये तेरा थीटा है, थीटा क्या होगा लंब बटे आधार, हाइट अपॉन लेंथ। अब ये लेंथ एल नहीं है, ये वाई है, बट इसको एल ही मान लेते क्योंकि स्पष्ट कहा था डी इज वेरी वेरी लेस देन, इसका भाव ही होता है, ये डिस्टेंस एक्स, ये क्या है एक्स बाई टू और ये क्या है एल, एक्स बाई टू अपॉन एल। तो दोस्तों टेन थीटा क्या हुआ, एक्स बाई टू अपॉन एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर एम जी एक्स स्क्वायर। ओके टेन थीटा एक्स बाई टू अपॉन एल। अब तेरे को एक्स और वी में रिलेशन चाहिए, अब जैसे मेरे को वी की बात आई मेरे को डीएक्स बाई डीटी चाहिए और डी क्यू बाई डीटी अगला क्या कहता है कॉन्स्टेंट है, तो मुझे डीएक्स बाई डीटी भी चाहिए, मुझे डी क्यू बाई डीटी भी चाहिए। तो एक तरफ एक्स करो, एक तरफ क्यू करो और उन दोनों को टी के सापेक्ष अवकलित कर दो, बस ये तरीका होता है। आ जा बस, तो ये ले, ये तेरा एक्स क्यूब ले लो उधर, ये देख टू के एल
क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी। ठीक है डियर, बोल हाँ या ना। एक्स क्यूब टू के एल क्यू स्क्वायर बाई एम जी। मुझे एक्स और क्यू का करना है डिफरेंशिएशन, क्यू स्क्वायर करते तो देखो पंगा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं इसको दोनों तरफ से अंडर द क्यूब कर देता हूं, तो ये तेरा क्या बचेगा रे एक्स। ठीक है डियर, या आप ऐसा करें इसका रूट कर दो, रूट कर दो, तो एक्स की पावर 3/2, ये आपका रूट क्या हो गया 2 के एल बाई एम जी और क्यू। ये लो जी, मैं क्यूब गलत बोल गया, इसको आप अंडर रूट कर दो, तो ये एक्स 3/2 वो 2 के एल, ये सब चीज क्या है तेरी कॉन्स्टेंट है, तो तेरा क्या बचा एक्स से 3/2 इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट मान लो पी मान लो चलो, तो दिस इज पी क्यू। ओके डियर, मैं यहां ले आता हूं, अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो क्या करोगे रे 3/2 एक्स की पावर 1/2 डीएक्स अपॉन डीटी और दिस इज पी कॉन्स्टेंट है, उसको पढ़ा रहने दो, ये क्या है तेरा डी क्यू बाई डी टी। यस, पी भी कॉन्स्टेंट और डी क्यू बाई डी टी भी कॉन्स्टेंट, ये क्या बन गया कॉन्स्टेंट, ये तेरा कॉन्स्टेंट, ये तेरा वी, ये तेरा रूट, ये ले तो रूट एक्स वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो दोस्तों ऊपर आ जाएगा और ये तेरे सामने इसका आंसर आ जाएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर माइनस, आप ऑब्जेक्ट में आना दोस्तों वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की पावर माइनस टू 191 का दोस्तों आंसर नंबर हमारा 2 है और बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर आ गया। ओके थैंक यू। हाँ डियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 में, ये क्वेश्चन है दोस्तों प्लेट कैपेसिटर का, प्लेट कैपेसिटर समानांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं इसको, इस पे बड़ा फिक्स क्वेश्चन है, अभी 4-5 क्वेश्चन है और हर साल एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम आया हुआ, ध्यान से देख लो, पढ़ लो क्या कहता है। ये कहता है टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 जिसका K2 बड़ा है K1 से आर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्टली शोन बाय। दोस्तों देखो सुनो, ये क्या कहता है कि आप ऐसे बनाओ, देखो मैं शुरू कर रहा हूं, ये P प्लस 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 और ये Q माइनस 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 माइनस, आप सब जानते हो कि ये P प्लेट है, ये Q प्लेट है, जितना चार्ज पॉजिटिव होता है उतना चार्ज नेगेटिव होता है। दोस्तों हकीकत में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, आपको ध्यान हो किसी को, तो यानी कैपेसिटर के अंदर डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल होती है, कब है? जब इसमें क्या भरी हुई हो, एयर भरी हुई हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा भी तू जानता क्या होता है, सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, यानी चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया पे पाए जाने वाला चार्ज, यहां पर बात पे पड़ रही है, थोड़ा समझ कैपेसिटर को, पी प्लेट क्यू प्लेट माने पहले केवल मीडियम एयर भरी हुई है तो सब जगह इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, सिग्मा क्या है क्यू अपॉन ए है। अब दोस्तों यदि ऐसा होता तो आप जानते हो कि कोई दिक्कत ही नहीं थी, डी इधर मैं डी ले लूं और इधर मैं ई ले लूं तो मेरी सब जगह ये लाइन होती इंटेंसिटी की, बोला या ना, क्योंकि अंदर कहीं भी ई का डी से कोई संबंध नहीं है। अब लेकिन क्या किया इसने K1 भर दिया, यहां भर दिया, बस अब मैं थोड़ा इसको देख तेरे सामने सामने सोल्ड करता हूं, के भर दिया, K1 को डायरेक्टली भर दिया तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो आजा शुरू हो जा, तू जानता है भैया अच्छी तरह जानता है ई इक्वल टू क्या होता है, अपन सबसे पहले देखो दोस्तों सी क्या है एप्सिलॉन जीरो ए K1 बाई डी, क्लियर, किसी प्लेट कैपेसिटर का यदि K1 मीडियम भर दो तो सी एप्सिलॉन जीरो ए K1 बाई डी, एक बात पर ले पड़ गई। ठीक है डियर, अब तू जानता है Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो तेरा V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई सी और C क्या है एप्सिलॉन जीरो ए K1 डी, बोल हाँ या ना, तो V इक्वल टू क्या हो गया देख Q इक्वल टू CV, मैं कोई बात लाइन शॉर्ट नहीं कर रहा हूं, V इक्वल टू क्या है Q बाई सी, सी तेरा क्या है एप्सिलॉन जीरो ए K1 डी, कोई डियर कोई दिक्कत नहीं, और तू अच्छी तरह जानता दोस्त E बराबर क्या होता है V अपॉन R होता ना, E इंटेंसिटी वोल्टेज नहीं था क्या E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, तो दोस्तों इतना V बाई आर, इस V बाई आर को अपन वही बात अपन क्या कह दें V बाई डी कह दें,
ठीक है। अब इस v बाई डी को कहें तो e इक्वल टू क्या है, v बाई डी, तो थोड़ा कलर चेंज कर लो तेरे लिए मैं यहां, तो e इक्वल टू क्या हो गया, अरे v क्या है, v तेरा हो रहा, v क्या है, v बाई डी है ना, ध्यान देना v बाई डी है, तो v क्या है, d अपॉन एप्सिलॉन जीरो ए के वन, और इसको किससे डिवाइड करना तेरे को, डी से डिवाइड कर दे, ये कैंसिल आउट, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, क्योंकि ए के क्वेश्चन में, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया के, यानी जहां के कम है वहां ई ज्यादा है, अब देख के वन कम है तो ई ज्यादा है, तो ये जो मूल लाइन थी इससे थोड़ी सी इंटेंस लाइन ऊपर आ जाएगी, तो दोस्तों इनिशियली यहां क्या होगा, ई थोड़ा सा ज्यादा होगा, फिर तू एयर में आ गया तो तेरा ई वही होगा, फिर तेरा माध्यम भर दिया तो के टू थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया, तो इस प्रकार का तेरा इसका कर्व आएगा, तो देख ऊपर गया और नीचे आया और फिर पुल हो गया तेरे सामने, देख ऊपर ये रहा, ये मेन पोजीशन थी ना, तो ऊपर गया नीचे आया और ये तेरे सामने पूरी व्यवस्था हो गई, तो क्वेश्चन नंबर 183 का मेरे भाई तेरा आंसर नंबर क्या हो गया, 3, 183 का तेरा आंसर नंबर क्या हो गया दोस्तों, 3, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 184, मैं आपको पहले क्वेश्चन कराता हूं फिर इसके ऊपर एक बहुत अच्छी लॉजिक उसकी बात भी करूंगा। अगला कहता है दोस्तों एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज गिवन चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले क्या पूछा है पोटेंशियल, फिर क्या पूछा है फील्ड, पहले वी और फिर ई। दोस्तों सुनो, एक कोई गोलीय चालक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर पे जो भी चार्ज आप देते हो वो हमेशा उसके कहां जाता है सरफेस पे, अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो कोई फोर्स लाइन नहीं है, कोई बल रेखाएं नहीं है, कोई फोर्स लाइन नहीं, कोई बल रेखाएं नहीं, तो कोई ई नहीं हो सकता, दोस्तों ई का मान तो क्या हो गया इसका 0, ठीक है डियर। दूसरा वी, वी सरफेस पे वी होता है केक्यू बटे केपिटल आर, और आप जानते हो अंदर सब जगह वही वी होता है केक्यू बाई केपिटल आर, तो वी तो है केक्यू बाई केपिटल आर, इंटेंसिटी 0, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है कोई खास बात नहीं है रहा, ये आप जानते हैं के इक्वल टू होता 1/4π ε0। दोस्तों इसी के साथ आपका सेकेंड आंसर ठीक हो गया, ओके थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 184 जो आपको मन करके दिया, तो उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया, ये चार स्पेयर होते हैं हमारे पास, मतलब उन चारों का V और E, गोले के अंदर, गोले के सरफेस पे और गोले से बाहर, ये करीब 15-20 फॉर्मूले हैं, लो मैं आपको एक साथ कर देता हूं, ठीक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, देख लो आप एक, सुनो, ये खोखला चालक, होलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, होलो नॉन कंडक्टर और सॉलिड नॉन कंडक्टर, खोखला चालक, ठोस चालक, खोखला कुचालक, ठोस कुचालक, ये दोनों कंडक्टर हैं, ये दोनों नॉन कंडक्टर हैं। अब आप जानते हो यहां तीन चीज होती हैं कि आप R इक्वल टू जीरो पे हैं, R लेस R पे हैं, R इक्वल टू R पे हैं और R ग्रेटर देन R पे हैं। दोस्तों बस इन अलग अलग पॉइंट्स पे मेरे को इसका V और E निकालना है, ये तो बात है ना, सेंटर पे क्या होगा, इनसाइड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा और बाहर क्या होगा, ठीक है डियर। अब यह एक बात याद रखना, कंडक्टर को दिया गया सारा चार्ज हमेशा कहां रहता है, उसकी आउटर सरफेस पे, लेकिन देखो मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये तीनों एक जैसे हैं, ये होने को तो नॉन कंडक्टर है, ये खोखला है तो हवा में चार्ज नहीं रह सकता, तो खोखला कुचालक चालक की भांति काम करता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, तो बात को पकड़े, दिस इज होलो नॉन कंडक्टर, बट होलो है तो हवा में चार्ज नहीं रहता है, तो यहां भी चार्ज क्या है, माना चार्ज क्यू है, तो यहां भी चार्ज क्या है, आउटर सरफेस पे है, यहां भी चार्ज क्या है, आउटर सरफेस पे है और यहां भी चार्ज क्या है दोस्तों, आउटर सरफेस पे है, इट इज क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ जी। तो सबसे पहले मेरी पहली कंडीशन है R लेस देन R, तो दोस्तों V का फॉर्मूला इसका होगा के क्यू बाई आर, इसका भी के क्यू बाई आर, इसका भी के क्यू बाई आर, बट उसका दोस्तों के क्यू बाई आर नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड है और नॉन कंडक्टर है, तो उसको जहां आप चार्ज दोगे वो चार्ज वहां सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आवेश का सममित वितरण होता है, उसके डेरिवेशन चक्कर में नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाता है इन चीजों का, आपको अपने पढ़ रहे अप्रैल के महीने में, तो यहां तो सीधी, तो दोस्तों v इक्वल टू के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, ये ले भैया कब, जब आर लेस देन आर होता है, आप अंदर बैठे हो तो इन तीनों के फॉर्मूले सेम होंगे, ध्यान दे क्लास, और सॉलिड नॉन कंडक्टर का फॉर्मूला अलग है और वो आपके सामने है।
अब यहां एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यदि मैं स्मॉल आर को जीरो कर दूं तो यहां तो क्या होगा, के क्यू बाई आर, बट यहां दोस्तों यदि स्मॉल आर को जीरो कर दूं तो ये तेरा बच जाएगा, कर दूं तेरे लिए मैं तो कहीं, तो स्मॉल आर को जीरो कर दूं तो दोस्तों वी बन जाता है 3/2 के क्यू बाई आर. क्या है, इसके सरफेस का पोटेंशियल है, यानी इसके सेंटर का पोटेंशियल इसके सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना होता है, 3/2 होता है. बहुत पर एग्जाम क्वेश्चन आता है, किसी सॉलिड नॉन कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल 100 है तो बताओ सेंटर पे क्या होगा, 150. गोट इट, बस ये सुंदरता थी इसकी. आ जाओ, आर लेस देन आर है तो वी इक्वल टू के क्यू बाई आर, और ये वी का फॉर्मूला बन गया. अब इसी पे मैं ई की बात कर लूं तो दोस्तों ई यहां क्या होगा, जीरो, यहां भी क्या होगा, जीरो, यहां भी क्या होगा, जीरो, अंदर चार्ज है ही नहीं तो तीनों में ई जीरो होगा, बट दोस्तों यहां ई जीरो नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज है अंदर. दोस्तों इसकी जो ई का फॉर्मूला है वो बहुत खूबसूरत है, ई के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब. दोस्तों स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कैपिटल आर रेडियस, वो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है. देखा जाए तो मैं तेरे लिए थोड़ी सी बात को अलग से कर दूं, दोस्तों गोले के अंदर ई जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मेमोरी काम कर रही है क्या, अर्थ के अंदर जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है क्या, याद कर, अर्थ के बाहर जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, अर्थ के अंदर जी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी दोस्तों ठोस गोला है, ये भी एक ठोस गोला है, पूरी पृथ्वी पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहां पूरे नॉन कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, बोथ आर सेम, यानी ठोस कुचालक अर्थ की तरह काम करता है, फॉर्मूले वही होते हैं, फर्क वही है, वहां जो कैपिटल जी होता है या के आता है, वहां एम होता है या क्यू आता है, दोनों एक जैसे हैं भाई मेरे. ओके, यहां तक बात कंप्लीट हुई, कोई दिक्कत नहीं. अब आगे देख, अब तू यदि आर इक्वल टू आर पे आ जाता है तो सरफेस पे आ गया, तो सरफेस पे आ गया तो भैया v इक्वल टू तो क्या है, वही के क्यू बाई आर, बट दोस्तों यहां e क्या होगा रे, यहां e होगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर. दोस्तों बिल्कुल सेम, जैसा ये है वैसा यहां रहेगा, वैसा ही यहां रहेगा, दोनों एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं. के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, और इसकी बात करें तो लो मैं इसको मिटा के यहां भी बात करूं तो सेम रहेगा, यहां भी ये रहेगा, सरफेस पे सबके फॉर्मूले एक जैसे हैं. कहने का मतलब है चाहे चालक हो, चाहे कुचालक हो, चाहे ठोस हो, चाहे खोखला हो, सरफेस पे फॉर्मूले चेंज नहीं होते हैं, केवल कहानी चेंज कहां होती है, अंदर. अब यदि दोस्तों मैं इसके बाहर आ जाता हूं, सपोज करो अब यदि मैं इसके बाहर आ जाता हूं तो भी कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, प्लीज ध्यान दे क्लास, यदि मैं बाहर आ गया इसके तब भी कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होता है. बाहर आने की शर्त दोस्तों आप जानते हो अच्छी तरह से, क्या शर्त होती है, आर ग्रेटर देन आर. ओके, तो दोस्तों इन सब का फॉर्मूला v इक्वल टू क्या है, के क्यू बाई आर, e इक्वल टू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये सब के लिए फॉर्मूले वही हैं, कोई फर्क नहीं, बस इतना काम है. तो पढ़ाने भी तो बहुत सारे हैं लेकिन सब का आंसर एक जैसे है, बस अंदर गड़बड़ है. तो अंदर की बात आप करें, और दोस्तों यदि अब आप इसके कर्व ड्रॉ करें तो आ जाओ, सबसे पहले यदि मैं इधर लूं आर, इधर लूं वी, और ये बनाऊं दोस्तों मैं गोला, V और R के बीच कर्व खींचूं, तो उन तीन पहले तीन जा देख कौन कौन है, देवन क्या लिया, खोखला चालक, ठोस चालक, खोखला कुचालक, ठोस कुचालक, होलो कंडक्टर, सोलिड कंडक्टर, होलो नॉन कंडक्टर, सोलिड नॉन कंडक्टर, ऊपर पहले तीन सेम फॉर्मूला होगा, कलर चेंज कर ले इसका तू करना चाहे तो भाई मेरे यहां तू खड़ा है तो इसके अंदर तू जानता है अंदर सब विभव क्या होगा, इक्वल, और बाहर यह हो जाएगा, सब जगह इक्वल है और बाहर आर के इनवर्स है. यदि मैं इसके लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाऊं, ध्यान दे क्लास, फॉर्मूला कैसे बनाऊं इंटेंसिटी का, तो भाई ये इसकी बाउंड्री लाइन है, ये इसकी बाउंड्री लाइन है, तो कर्व ऐसे आएंगे क्योंकि अंदर आप जानते हो इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो. ये उन तीनों के लिए हो गए, अंदर सरफेस और बाहर, क्लियर. अब दोस्तों बात पढ़ रही है, अब आप आ जाओ उस ठोस कुचालक पे, सॉलिड नॉन कंडक्टर पे आ जा भैया, इधर तेरा आर है, इधर तेरा ई है, ये तेरी मान ले इसकी बाउंड्री लाइंस है, समझने के लिए बस. तो तू जानता है ये ले यार कौन मना कर रहा है, क्यों,
ई अंदर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सारे फॉर्मूले ई का हो गया। अब यदि मुझे कन्वर्ट करना हो वी के अंदर, तो भाई वी के अंदर फिर आ जा, कौन बना करता है, तेरा गोला बना, यहां फिर कोई कलर चेंज कर ले, ये इसकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है डियर। अब आप देखो ये इसकी बाउंड्री लाइन है, अब आपको पता है कि सेंटर का वी सरफेस के वी का 3/2 है, तो माय डियर ये कर्व ऐसे बनेगा, कलर चेंज कर दूं आपका इसके लिए मैं, ये ऐसे बनेगा और फिर बाहर आके ये ऐसे हो जाएगा। यदि ये वी है तो पुत्र ये 3/2 वी है, ये ले यार, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। निपटे, थैंक यू दोस्तों। 185 अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूरी कहानी है भाई, और एग्जाम आती है। ले प्रश्न पढ़ने से पहले इसमें इतना ही सीख ले, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। अब ये एग्जैक्टली कुछ चीजें प्रॉपर सही नहीं होती, बट कंपटीशन है दोस्तों। दिस इज डीवी बाई डीआर, ये विभव प्रवणता। देखो विभव तो होता है स्केलर क्वांटिटी और विभव प्रवणता होती है वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडिएंट। पोटेंशियल ग्रेडिएंट को ई कहते हैं, माइनस का साइन, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना तेरा, कि ई की डायरेक्शन में चलते हैं तो v की वैल्यू कम होती है, उसी बात से कर रहा है। e की डायरेक्शन में चलने से v की वैल्यू कम होती है, यहां से आता है ये माइनस dv बाई dr। बस ग्रेडेंट का मतलब क्या है ये आप देख लो, इसका डेल का मतलब क्या है सुनो, डेल का मतलब होता है i कैप j कैप k कैप, ये ध्यान सुन ले भाई। डेल का मतलब है जो भी कुछ चीज दी हुई है उसका अक्ष के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, यानी अक्ष के अवकलन करेगा वाई जेड कांस्टेंट रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेगा तो अक्ष जेड कांस्टेंट रहेगा, और जेड के रिस्पेक्ट में करेगा तो अक्ष वाई कांस्टेंट रहेगा। अब तेरा डेल का क्या लगा हुआ है, वी लगा हुआ है ना, तो इन सब के आगे अपने वी वी लगा देंगे, ये वी 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 ए, ये तो चाहे तो वी लगा दे यहां पहले। एक तरीका समझाने का, देखो दोस्तों ये आपकी एक वी की इक्वेशन है, मुझे इसको डेल भी बनाना है, डीवी बाई डी आर, तो ये तरीका तो कर सही नहीं कर सकता इसको मैं प्रॉपरली, आप ये मान लो कि एग्जैक्ट ये है दोस्तों डेल वी है, यानी इसका अक्ष के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, उसको आई कैप से गुणा करेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अक्ष जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे अक्ष वाई कॉन्स्टेंट रहेंगे, उन सबको आई जे करके एक वेक्टर बन जाएगा। उस वेक्टर का अपन जानते हैं रिजल्टेंट होता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर का रूट, थोड़ा एक लेंदी कह सकते हैं इसको, बाकी है बहुत ईजी। शुरू करूं, आ जाओ डियर। तो सबसे पहले मैं सीधा शुरू कर देता हूं दोस्तों, डेल वी बाई डेल अक्ष, अक्ष के सापेक्ष करोगे तो ये आपका 6 हो गया, ये दोस्तों आपका 8y हो गया, यहां अक्ष नहीं, यहां अक्ष नहीं, ये कहानी खत्म होगी। आगे आ जाओ, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो दोस्तों यहां वाई नहीं तो खत्म हो गया, ये 8x है, ये तेरा 8 हो गया, इसमें तेरा फिर वाई दे रखा अगले है, तो दोस्तों ये क्या हो गया 6z हो गया। उसके बाद डेल वी अपॉन डेल जेड, जेड करें तो यहां जेड नहीं, यहां जेड नहीं, यहां जेड नहीं, सब गायब हो गए, क्या बच गया भैया 6y बच गया, बता कोई दिक्कत है क्या। देख फिर तेरे लिए कर दूं मैं 6x 8y, ठीक है y अक्ष नहीं खत्म, दूसरे में देखो y 3 में है, तो पहले में y नहीं इसलिए 0 हो गया, ये क्या बचा -8x, ये क्या बचा -8, वो क्या बचा +6z। ओके डियर, अब आपके सामने सामने ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को अपन को e बनाना है, तो e बनाना है तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस के साइन से मतलब नहीं कि उधर एम्पलीट्यूड निकालेगा तो प्लस हो जाएगा। आ जा भैया, इसके तू क्या लगा आई कैप लगा, अच्छा किस किस पॉइंट पूछा है, एक 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 पे पूछा है, तो यही इस बात पे साथ कर दूं, अक्स की वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर, तो देख 8 6 माइनस 8 इधर चल, माइनस 8 माइनस 8 प्लस 6 बहुत आसान है, तो और 6 तो क्या बचा रहे, ये क्या बचा तेरा -2, ये तेरा दोस्तों क्या बचा 8 8 16 16 6 कितना बचा रहे -10, ये कितना बचा तेरा 6, अब तो हो गया यार दिक्कत ही कहां ले, तो दोस्तों ई इक्वल टू आ गया -2 आई कैप -10j कैप +6k कैप, आ गया ना -2i कैप -10j कैप +6k कैप। मुझे इसका क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, इस पे वेक्टर साइन लगा दे, तो रिजल्टेंट तू जानता क्या होता है, 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, तो ये 4, ये 100, ये 36, 140 रूट 140, ये ई है।
अगला पूछता है इस पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, याद है क्या? कहीं भी फोर्स क्या होता है दोस्तों, फोर्स होता है क्यू मल्टीप्लाई ई, कितने क्यू पर है, दो पे, उसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू रूट 140, टू रूट 140। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, तो देखो दोस्तों मेरा कुछ कुछ ऑब्जेक्ट चौथा मिल रहा है इससे कि दोस्तों यदि मैं रूट 435 है इसको बाहर दो रखूं और दो को अंदर लेके जाऊं तो चार अंदर जाता है, 35 को चार से गुणा कर कितना बनता है, 140 ही बनता है, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया दोस्तों, सेकंड फोर्थ, सॉरी बोलने में कहना गड़बड़ होती है इसमें, आंसर क्या हो गया, फोर्थ। तो ये अपने आप में लॉजिक था, वी दिया हुआ था, उसका e इक्वल टू माइनस डेल v निकालना था, डेल v का मतलब पहले x के रेस्पेक्ट में, फिर y के, फिर z के, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान चाहे तो 2020 में आएगा सारी, ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 186, ठीक है, अगला कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली टुवर्ड्स एंड इज गिवन बाय ई इक्वल टू ए आर, ये इसका कोई वेरिएशन है, और ए चार्ज कंटेन इन स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय, दोस्तों ये कोई एक गोला मान लो जो ऐसे रखा हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट पे है, ये तो बात है ना कि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर है, ई इक्वल टू ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे गोले की त्रिज्या ए है जिसका सेंटर है वो हमारे मूल बिंदु पे आवेश की वैल्यू बताओ, ठीक है। देखो भाई हम एक बात जानते हैं, आप एक बात अच्छी तरह जानते हो कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट डी एस के इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ई क्या होता है यूनिट एरिया से निकलने वाली परपेंडिकुलर फोर्स लाइंस, अब डॉट डी एस है, लेकिन अब आप एक बात सुनो, इसका आप केवल ई डी एस भी कह सकते हो, क्योंकि ई डॉट डी एस का मतलब तो ए बी कोस थीटा, थीटा दोस्तों सीधी सीधी बात है यहां पर क्या है जीरो है, तो कोस जीरो का मान क्या है वन है, ओके डियर। अब ये किसकी वैल्यू है, ये फाई की वैल्यू है, तो तेरा कुल फ्लक्स क्या निकल रहा है ई डी एस, और एक फाई की वैल्यू गाउज का नियम क्या कहता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, बस इनको इक्वल करना है। इसमें मुद्दे की बात है ई डॉट डी एस के बाद ई डी एस क्यों कर दिया हमने, ध्यान देना फोर्स इधर जा रही है, ये इसका सरफेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, दोस्तों हमेशा इसके साथ एंगल मेजर किया जाता है, याद है एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है, फिक्स है, कोण हमेशा तल पे खींचे गए अभिलंब के साथ मेजर किया जाता है, एंगल हमेशा तल पे खींचे गए अभिलंब के साथ, जिसका आपकी भाषा में कहूं एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है, तो दोनों के बीच थीटा जीरो हो गया, तो कोस जीरो की वैल्यू एक हो गई, तो ई डॉट डी एस है, अब ई डॉट डी एस फाई है, आप इसको तो ये तो बढ़ाना पड़ेगा ना, आप लोग साथ रहेगा रहेगा इसमें, ये तो कंप्लीट लूप का लिया ना अपन ने, अब दोस्तों फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, बस इसको लो अपन थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जैसे अगला कहता है दोस्तों ई क्या है, ई है ए, ए ये आर है ना, तो आर तो क्या है डिस्टेंस है, अपन सरफेस पे आ गए तो आर रिप्लेस बाय ए हो जाएगा, और उसके बाद इसके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तो देख डियर ए भार ले, ए भार ले, ये तेरे डी एस को तूने डिफरेंशिएट किया कंप्लीट, तो एरिया क्या होता है फोर पाई ए स्क्वायर, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, तुझे क्या चाहिए भाई मेरे, तेरे क्यू चाहिए, तो क्यू की वैल्यू आ गई ना फोर पाई एप्सिलॉन, देख फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए ए क्यूब, ठीक है डियर, तो ये तेरा फॉर्मूला बन गया फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए ए क्यूब, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए ए क्यूब, आंसर कौन सा बन गया भैया अपना 186 का फोर्थ बन गया, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 187, ये कहता है क्रॉस ए मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड द क्वांटिटी व्हिच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, ये टोटली थ्योरी का प्रश्न है, ये ऐसे मान लो आप, तो यार ये ऐसे कोई है वायर है, साफ कहता है अगला नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां एक कुछ और है, देखो यहां एक कुछ और है, यहां एक कुछ और है, सब कहता है एक असमान परिच्छेद के धातु के किसी चालक के दो सिरों पे समान पोटेंशियल लगा दिया, तो दोस्तों आप जानते हो समान पोटेंशियल लगाने पे करंट सेम होती है, बाकी कुछ भी सेम नहीं होगा, केवल करंट सेम होगी, विद्युत धारा सेम होगी, फील्ड कभी सेम हो ही नहीं सकता, क्यों अलग अलग डिस्टेंस है, तो दोस्तों ई इक्वल टू तो अपन जानते हैं वी बाई आर होता है, तो खत्म हो जाता है, डेंसिटी मतलब ही नहीं है, डिवर्सिटी मतलब ही नहीं है, तो कौन सा बचता है ए, वैसे कॉमन सेंस की बात है यार,
पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो करंट सेम होती है, क्योंकि करंट का इसकी नेचर पे कोई डिपेंड नहीं होता है। ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 188, ये प्लेट कैपेसिटर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले दो लाइन सुन लो। किसी कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी को उठा दिया जाए तो क्यू कांस्टेंट रहता है, और बैटरी लगी हुई है तो वी कांस्टेंट रहता है। गांठ बांध ले भाई, बैटरी उठा दी साथ बोले, बैटरी उठा दी क्यू कांस्टेंट, बैटरी लगी हुई है वी कांस्टेंट। क्लियर हो गया, बस इतना खेल इसमें। आजा पढ़ ले क्या कहता है। ये कहता है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ वी एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। सेल को उठा दिया, सेल को उठा दिया, इसका मतलब क्यू क्या हो गया रहे कांस्टेंट। ऑफ कहता है दोस्तों डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड इन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। प्रश्न क्या है, मेरे पास एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, यानी पूरी हवा भरी हुई है, मैंने उसको कंप्लीट चार्ज कर दिया और मैंने उसकी बैटरी उठा दी और उसकी क्यू क्या है कांस्टेंट है। अब वो कहता कि यदि मैं इसमें कोई के मीडियम भर दूं, डायलेक्ट्रिक मीडियम भर दूं तो क्या क्या स्टेटमेंट है मुझे नहीं पता, मैं तो मेरी बात करता हूं खाली कर इसके ऊपर, मैं तो मेरी बात जानता हूं भाई। सीधी सी बात यह है कि ये तेरा प्लेट कैपेसिटर है, ये प्लस प्लस, ये तेरा माइनस माइनस, तो इसका सी होता है एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी एयर के अंदर, और इसमें मीडियम भर दोगे तो एप्सिलॉन जीरो ए के बाई डी। बोल हाँ या ना, एयर का एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी है मीडियम। अच्छा पूरे मीडियम भर दिया, पूरा के काउंट हो गया। अब दोस्तों हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्यू इक्वल टू क्या है सी वी है, ठीक है। चलो जी Q इक्वल टू सी वन वी वन और Q इक्वल टू सी टू वी टू। बोल हाँ या ना, Q पहले भी Q रहेगा, Q बाद में भी Q रहेगा, ये बात कहां से पकड़ी। अगला कहता बैटरी उठा दी, बैटरी उठा दी इसका मतलब Q, ये याद रखना पड़ेगा भाई, बैटरी लगी हुई है तो V कांस्टेंट है, बैटरी उठा दी तो Q कांस्टेंट है, तो सी वन वी वन इक्वल टू सी टू वी टू पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन में दोस्तों आप एक काम करो, ऐसा कर लो सी वन वी वन सी टू वी टू, तो तेरे सामने सामने सी, अच्छा आपने इसको ऐसा नहीं करें तो अपन इसको ऐसा नहीं करें, एक ट्रिक से करते हैं। ट्रिक क्या होती है दोस्तों, क्यू इक्वल टू सी वी, आप स्पष्ट कह रहे हो कि आपने के मीडियम भरा, के मीडियम भरा तो सी के गुना बढ़ी। दो थोड़ा सा मैं एक बात कह दूं, क्यू कांस्टेंट है तो सी और यू का गुणा क्या होगा कांस्टेंट, की के मीडियम भरने से सी के गुणा बढ़ेगा तो दोस्तों वी के गुणा कम होगा, क्योंकि तभी तो दोनों का गुणा क्या रहेगा कांस्टेंट। बस गांठ बांध ले, सी के गुणा बढ़ेगा और वी के गुणा घटेगा। अब यदि आप इस पे एनर्जी की बात करो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब फॉर्मूला ये काम क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक चीज कांस्टेंट है। देखो मैं यहां हाफ सी वी स्क्वायर काम नहीं लूंगा, क्योंकि सी वी दोनों वेरिएबल है, मैं क्यू स्क्वायर बाई टू सी काम लूंगा, क्यू कांस्टेंट है तो टू सी, सी के गुना बढ़ा। तो दोस्तों एनर्जी जिसको अपना पोटेंशियल कह सकते हैं वो दोस्तों के गुना डिक्रीज हो गई, यानी सी के गुना बढ़ा, वी के गुना घटा और एनर्जी के गुना घटी, ये इसके आंसर बन गए। ठीक है जी, बस अब आप ऐसा करो क्वेश्चन में आ जाओ। क्या कहता है, चार्ज पर आवेश का श्रय, देखो सही नहीं है आंसर, सही नहीं है, संधारित्र पे आवेश का संरक्षण नहीं होता है दोस्तों, ये बात तो गलत ही होगी ना, कि संरक्षण तो होता है। दूसरा क्या कहता है, दो प्लेटों के बीच विभवांतर के गुना कम हो जाएगा, बिल्कुल तेरे को पता है सी के गुना बढ़ा था तो वी के गुना कम हुआ है, वी के बिल्कुल सही कह रहा है। अगला कहता है के गुना संधारित्र में संचित ऊर्जा के गुना कम हो जाएगी, बिल्कुल अभी अपनी बात हुई थी याद कर, के क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तेरा सी के गुना बढ़ा था तो तेरा यू सी के गुना कम हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद कहता है कि स्टोर्ड एनर्जी क्या है, वो हाफ सी वी स्क्वायर वन माइनस के बाई, ये भी सही है। तो दोस्तों अपने आपका आंसर क्या हो गया इसका, फर्स्ट 188 का दोस्तों आंसर हो गया एक नंबर। ये बहुत लॉजिक है भाई, फिर याद दिला दूं, बैटरी लगी हुई है तो V कांस्टेंट, बैटरी हटा दी तो Q कांस्टेंट। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों फिर से आगे कैपेसिटर पे आगे, अगला क्या देखो, एक डायग्राम बना हुआ है, इसका बताओ भाव क्या है। ये बैटरी लगी हुई है,
पहले ये कोयल कुंजी लगी हुई है तो इसके थ्रू ये सर्किट चल रहा है, फिर ये यहां से हटा के और इसको यहां जोड़ देगा तो ये आपका सर्किट बन जाएगा। पहले आपकी एक नंबर की जो की है वो कनेक्शन में है, फिर दो नंबर की कनेक्शन में है, बात इतनी सी तो ना। आ जाओ जी पहले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्या कहता है कि इसमें दिखाया एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द स्विच एस इज टर्न्ड टू पोजीशन 2 द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। वो कहता है इन दोनों कंडीशन में ऊर्जा में कितना लॉस होगा, साफ कहता है संचित ऊर्जा में कितने परसेंट की लॉस होगा। तो पहला केस, तो पहले केस की दोस्तों बात करेंगे तो पहला केस आपका ये होगा सीधा सीधा सा भैया, ये आपकी 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 माइक्रोफेरेड है। बोलो हाँ या ना, बैटरी कितने वोल्ट की है भाई? बैटरी के बारे में कुछ नहीं कहा अगले ने, बैटरी दोस्तों वी वोल्ट की है। लो जी बैटरी वी वोल्ट की है, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो पूरा का पूरा वी किस पे आ जाएगा? इस बैटरी पे आ जाएगा। तो दोस्तों यू इनिशियल क्या बन जाएगा? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। सी बोले तो 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो बोले तो 10^-6, वी स्क्वायर की वैल्यू आप क्या पुट कर लो, वी स्क्वायर के रूप में रहेगा, कोई दिक्कत ही ना, कुछ नहीं कहता बैटरी के बारे में। तो ये तेरा वी स्क्वायर है, ये तेरा अब कौन है? यू है। लेकिन दोस्तों इसमें आपके सामने ये एक परफेक्टली फॉर्मूला आ गया, दिस इज यू इनिशियल हाफ सी वी स्क्वायर, सी 2 माइक्रोफेरेड है तो 2 × 10^-6 गुना वी स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यू आई की वैल्यू आ गई 10^-6 वी स्क्वायर जूल। एनर्जी किसमें होती है भैया? जूल में। क्लियर? फिर देख ले अगला, खुद कहता इसका तो कोई लिंक अभी है ही नहीं ना, ये तो कुछ है ही नहीं कहीं, बस इतना ही है बस खेल। तो पूरा वी किस पे आ गया? कैपेसिटर पे आ गया, हम जानते हैं। फिर हाफ सी वी स्क्वायर, सी भाई वी पूरा इस पे आ गया, सी की वैल्यू पुट कर दी तो ये हाफ 2 × 10^-6 माइक्रोफेरेड है, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कहीं पुट नहीं की, वी वी है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका एक पार्ट हो गया। अब आगे चले, अब आगे दोस्तों क्या कहता है कि ये इस प्रकार से बन गया, फिर ये आगे आपका इस प्रकार से बन गया, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है और ये दोस्तों 8 माइक्रोफेरेड है। आपने इसको चार्ज करके बैटरी उठा दी, इसका सीधा सा मतलब है इसका आवेश कांस्टेंट है, यानी वो जो चार्ज है इसके ऊपर वो चार्ज इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस ध्यान दे क्लास, आपने 2 माइक्रोफेरेड को पहले 2 वी वोल्ट की बैटरी चार्ज किया, चार्ज करने का आपने बैटरी उठा दी तो चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन आपने इसके साथ दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया तो नो डाउट डियर वो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके रूप में? तो हम जानते हैं डियर क्यू इक्वल टू सी वी। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा? जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाएंगे। यस, मुद्दे की बात ये, चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दोस्तों जैसे दोनों विभव समान हो जाएंगे, ध्यान दे क्लास, दोनों के चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। ओके, अब तू जानता है तो क्यू जो है वो सी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 2 और 4 के, मतलब 2 और 8 यानी 1 और 4 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 1 और 4 के डिवाइड होगा तो उसको क्यू वन निकाल लो। आप जानते हो किसी चीज को 1:4 में डिवाइड करना होगा तो 1/5, क्यू टोटल 5 है ना, और कैपेसिटी क्या है 2 माइक्रोफेरेड, ये तेरा क्यू वन आ गया। ऐसे क्यू टू क्या होगा रे? 4/5 मल्टीप्लाई 2 माइक्रोफेरेड, तो वो 2/5 माइक्रोफेरेड है और ये 8/5 माइक्रोफेरेड है। लेकिन क्यू बनते ही दोस्तों इसका मान क्या हो गया? माइक्रो कुलाम। इसका मान क्या हो गया? माइक्रो कुलाम, क्योंकि क्यू बनते ही तो फिर यूनिट चेंज जाएगी ना। तो एक पर दोस्तों इसके ऊपर आपका चार्ज आ गया 2/5, बोल दो माइक्रो कुलाम। इस पे कितना आ गया रे? 8/5 माइक्रो कुलाम। सी दे दिया और क्यू दे दिया, ऊर्जा क्या है? q²/2c, उसकी भी q²/2c, दोनों को जोड़ देंगे वो क्या आ जाएगा? v फाइनल आ जाएगा। उसका इनिशियल में से माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे और लॉस निकाल देंगे, नहीं करेंगे पूरा अपन, ठीक है ना, पूरी बात करेंगे डियर। आ जा भैया, तो तेरे सामने u फाइनल क्या है? u1+u2, तो u क्या है? q²/2c, तो q²/2c का मतलब क्या है? 2/5 × 10^-6 का स्क्वायर q²/2c,
सी बोले तो 2 माइक्रोफेरेड दोस्तों प्लस ये क्या है रे 8/5 10^-6 इसका होल स्क्वायर अपॉन वही दोस्तों अब 4C सॉरी फॉर्मूला 2C सी कितना है 8 माइक्रोफेरेड 8 10^-6 ये तेरा क्या हो गया यू फाइनल ठीक है वो कौन सा तेरा यू इनिशियल ये तेरा क्या यू फाइनल अब दोस्त लॉस पूछता अगला तो लॉस क्या करोगे डिफरेंस बट्टे यू इनिशियल इक्वल टू 100 थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है इन सबको लास्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये 4/5 का डिफरेंस आएगा यानी 5 में से 4 गायब हो गया 4/5 5 में से 4 गायब हो गया इसका मतलब है 80% दोस्तों इसमें लॉस हो गया ओके थैंक यू हाँ जी क्वेश्चन 190 अच्छा क्वेश्चन है वो कहता आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगला कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कौन करता है देखो तो पहला स्थिर आवेश कॉन्स्टेंट स्टेशनरी चार्ज ना चार्ज लेस पार्टिकल मतलब ही नहीं है एंड एक्सीलेटिंग चार्ज और चौथा है चार्ज मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं दोस्तों कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव करता है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है EMW वो करेगा जब एक्सीलरेटिंग चार्ज होगा तो ये चार ऑब्जेक्ट को देख के हमें एक पिटी को मारना होता है अच्छा थोड़ी क्वेश्चन फिर सुन लो अगला कहता है EMW कौन पैदा करता है तो EMW दोस्तों हमेशा एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टली करता है न कि मूविंग ओनली मूविंग की बात करें कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से कोई मूव करता है तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है EMW का इसको आपको एग्जैक्टली चाहिए तो उसको आपको एक्सीलरेट करना होता है उसको त्वरित करना होता है ओके थैंक यू हाँ दोस्तों 191 अपने साथ कर लिया था पहले अब 192 पे आते हैं ये क्या कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10^5 न्यूटन पर कूलम इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू 4 Nm द चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 cm बड़ा सिंपल क्वेश्चन देखो दोस्तों ये तो क्या हो देखो ये है ये कोई फील्ड है ये आपका डाइपोल रखा सीधी सी बात है यार इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी रखी है और ये किसी एंगल पे है एंगल कितने एंगल पे है ये दोस्तों किसी एंगल थीटा डिग्री पे है तो मान लो कि आपने इसको किसी 30 डिग्री एंगल पे कर दिया टॉर्क दिया हुआ है सब कुछ दिया हुआ है आपको इस पे चार्ज पूछा है तो मैं एक बात याद करा दूं टॉर्क इक्वल टू दोस्तों क्या होता है याद अच्छी तरह से टॉर्क इक्वल टू होता है PE साइन थीटा भूल गए क्या टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा अब तेरे को पी का नहीं पता है कोई बात नहीं पी क्या होता है क्यू मल्टीप्लाई LE साइन थीटा ठीक है ना टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा पी क्या होता है क्यू मल्टीप्लाई एल एल का मतलब टोटल लेंथ कुछ लोग 12 लेते हैं इसको 12 का मतलब तो वो सेंटर से मेजर करता है एल मान लेंगे पर ठीक है अगला कहता है 2 cm लेंथ है बस अब तेरे सामने सामने वैल्यू पुट कर लेते हैं पर तो आ जा भैया इसको मिटा देते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको समझा दिया गया पूरा बस टॉर्क दिया हुआ है कितना टॉर्क है 4 क्यू तेरे को फाइंड आउट करना है एल कितना है 2 cm 2 × 10^-2 ई कितना है भैया 2 × 10^5 साइन 30 1/2 इसको इससे कैंसिल आउट कर दे इसको इससे कैंसिल आउट कर दे ये देख 10^-2 है ये तेरा 10^5 है तो डियर क्या बचेगा 10^3 तो 2 × 10^3 क्यू बोलो बोलो आया ना 10^-2 है ये 3 तो दोस्तों Q इक्वल टू आ गया 2/10^3 बस तो 10^3 ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा तो आंसर क्या आ गया आप जानते हो ना स्मॉल m को क्या बोलते हैं मिली कूलम तो आंसर हो गया दोस्तों फर्स्ट ओके थैंक यू हाँ तो डियर क्वेश्चन 193 देखो सिंपल सी बात है कि ये कोई A एरिया और D विड्थ का कोई एक कैपेसिटर था खाली या खाली है जिसकी कैपेसिटी C है ओके डियर और एयर भरी हुई है अब वो इसमें यहाँ K4 भर देता है वहां K1 भरता है K2 भरता है K3 भरता है वो A/3 में है वो D/2 में है तो लास्ट में कहता है कि दोस्तों देन द इट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K इज गिवन बाय K की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रिजल्टेंट K क्या हो जाएगा बस इतनी सी बात है ठीक है ना कैपेसिटी खाली की कैपेसिटी क्या होती है सी भरने के बाद ही कैपेसिटी होगी और आपको इसका K की वैल्यू निकालनी ठीक है डियर आ जाओ चले तो मैं इसके लिए डायग्राम हाथ से बना लेता हूं आप देखें आ जाओ जी ये थोड़ा सा मैं आपके लिए करना चाहूंगा बोर्ड पे पूरा भाई यहां क्या भर रखा अगले ने K4 यहां क्या भर रखा है K1
यहां क्या भर रखा है के टू, यहां क्या फिल कर रखा है के थ्री, ये एरिया क्या कवर किया इसने ए बाई थ्री, ये डिस्टेंस दोस्तों कितने कवर की है डी बाई टू, और टोटल डिस्टेंस क्या है डी, ये सब में ए बाई थ्री है भाई, ए बाई थ्री, ए बाई थ्री, और इसने एरिया ए कवर कर रखा है। अब सीधी सी बात है, ये C1 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर, ये C3 कैपेसिटर, C1 C2 C3 कौन से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल, C4 उनके फिर सीरीज, तो आ जाओ सबसे पहले, सबसे पहले तो उसका टोटल सी निकाल लो, टोटल सी है एप्सिलॉन 0 ए के बाई डी, याद कर ले इसको, तो भाई यदि कुछ नहीं भरा हुआ हो पूरे में एयर भरी हुई हो तो सी एप्सिलॉन 0 ए डी बाई के, और माना कि पूरे में कोई ऐसा मीडियम भर दे पूरे में जिसका डेल कोफिशिएंट के है, तो उस के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो बात हुई ना। अब आ जा, तो सबसे पहले C1 देख, C1 क्या है एप्सिलॉन 0 ए की जगह ए बाई थ्री, डी की जगह डी बाई टू के वन, तो ये बन गया तेरा 2/3 एप्सिलॉन 0 ए के वन अपॉन डी। C2 क्या बनेगा 2/3 एप्सिलॉन 0 ए बाई डी मल्टीप्लाई के टू। C3 क्या बनेगा 2/3 एप्सिलॉन 0 ए डी के थ्री, कोई दिक्कत नहीं ना, C1 बन गया, C2 बन गया, C3 बन गया। अब चल तो C4 बना, तो C4 क्या होता है एप्सिलॉन 0 ए, दोस्तों कंप्लीट काम आ रहा है यहां पर, डी डी बाई टू काम आ रहा है, इसमें क्या बढ़ा हुआ है के फोर, तो C4 क्या है 2 एप्सिलॉन 0 ए के फोर बाई डी, बस इतनी बात आ जाएगी बात। अब तेरे C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया, C4 आ गया, अब इनका तू रिजल्टेंट C निकाल, ठीक है, तो यहां तक मैंने कर दिया, तो अपने याद है 2/3 एप्सिलॉन 0 ए इस तरह से आएगा, तो डियर अपने क्या करते हैं इसको मिटा के और रिजल्टेंट C निकालते हैं इस कार्यक्रम का, तो आप खुद देख रहे हो रिजल्टेंट C कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट C में सबसे पहले तो आप C1 C2 C3 निकालो, तो आप देखो C1 C2 C3 कौन से कॉम्बिनेशन में है पैरेलल है, तो कैपेसिटर का पैरेलल रेजिस्टेंस का R होता है, तो दोस्तों इनका जो परिणामी है वो तो क्या आया C1 + C2 + C3, अब C4 इनके कहां जुड़ा है सीरीज, तो उसका जो दोस्तों परिणामी C आएगा C इक्विलेंट वो आएगा 1/C प्लस 1/C4, बोल आया ना, ये ऐसी चीज बहुत इजी अप्रोच है 1/C प्लस 1/C4 बस, ओके डियर, तो ये C इक्विलेंट जो तेरा है वो 1/C, C क्या है C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू C4, C इक्विलेंट क्या है टोटल, टोटल मैं क्या मानू, टोटल मान लू मैं एप्सिलॉन 0 ए के बाई डी, माना पूरे में कोई के भरा हुआ है तो एप्सिलॉन 0 ए के बाई डी, तो दोस्तों ये तेरा क्या आ गया देख, ध्यान दे क्लास, एप्सिलॉन 0 ए के बाई डी, कलर चेंज कर ले आगे चल अपना, ठीक है। अब देख आगे C1 क्या था 2/3 एप्सिलॉन 0 ए के 1/D प्लस 2/3 एप्सिलॉन 0 ए के 2/3 प्लस क्या था रे 2/3 एप्सिलॉन 0 ए मल्टीप्लाई के 3 प्लस 1/4, 1/4 क्या था 1/4 आपका ये है, तो 1/4 की बात करें तो ये दोस्तों कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए मैं, ये आपका बनेगा एप्सिलॉन 0, इसमें 2 ऊपर था 2 एप्सिलॉन 0 ए के 4/D, ये सब नीचे नीचे है ना, तो देख एप्सिलॉन 0 ये सारी दुकान दोस्तों इसमें आपस में कैंसल आउट हो गई, ठीक है डियर, तो इसमें सारा कुछ कैंसल आउट हो गया तो तेरा क्या बचा 1/K इक्वल टू 1/2/3 के 1 प्लस 2/3 के 2 प्लस 2/3 के 3 प्लस 1/K4, और वो तेरा क्या है 2K4, ओके 2K4 बस, तो 2/3 K1, 2/3 K2, 2/3 K3 प्लस 1/2 K4 बस। अब दोस्तों अगला मुझसे इसका रिजल्टेंट K चाहता है, तो रिजल्टेंट K चाहता है तो मैं एक काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे अब इसमें ऑब्जेक्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट, तो आप जब देखते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट देखते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट मुझे प्रॉपर लगता है, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट में यहां 2/K है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप दोस्तों इस पर 2/K 2/K 2 कर लो तो वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, प्लीज आंसर निकालना,
तो आंसर जैसे दोस्तों आप निकालते हो तो दोस्तों आपके सामने आंसर निकालेंगे, तो बिल्कुल आप देखें स्पष्ट रूप से आपके सामने इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 194, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वापस वो पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, द डायग्राम बिलो अलाउ रीजंस ऑफ इक्विपोटेंशियल्स है। देखो दोस्तों ये कहता है प्रत्येक आरेख पे धनात्मक आवेश को ए से बी तक ले जाते हैं, तो इस क्रम में आपको ले जाने में क्या क्या करना होगा वर्क। देखो दोस्तों ए से बी, तो ए किस पे है 10 पे, बी किस पे है 40 पे, डिफरेंस कितना 30 का, यहां भी डिफरेंस किसका 30 का, यहां भी डिफरेंस किसका 30 का, यहां भी डिफरेंस किसका 30 का। दोस्तों डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डी वी होता है, तो दोस्तों डब्ल्यू सब जगह क्या होगा रे इक्वल होगा, क्यू इक्वल है डीवी इक्वल है, तो सभी रास्तों पे किया गया कार्य जीरो होगा। चलो वर्क बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क को पथ से कोई लेना देना इसमें नहीं है, बस तो तेरे सामने है साफ साफ क्या दोस्तों, आरेख ए नहीं सभी चारों आरेखों में किया गया कार्य समान ही होगा। दोस्तों 194 का आंसर हो गया 1। ओके थैंक यू। 195, ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड, बस वही फिर बात आ गई, बैटरी रिमूव कर दी दोस्तों, क्यू इक्वल टू कांस्टेंट, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। देखो क्या कहता है कि ये आपका पहले को ये कैपेसिटर है, इसके दोस्तों बैटरी लगी हुई है और बैटरी से चार्ज है, ठीक है, ये तो कहता ना कि एक संधारित्र है, बैटरी से इसको चार्ज कर दिया, अब आपने बैटरी अठा दी, बैटरी अठा के और दोस्तों एक सेम वैसा ही कैपेसिटर इसके ऊपर लिया है, दोस्तों इस पे चार्ज क्यू है, तो थोड़ा कॉमन सेंस का कार्यक्रम है, तो दोनों सेम कैपेसिटर हो, एक पे क्यू चार्ज हो दूसरे पे चार्ज पहले से जीरो हो, तो ये चार्ज दोस्तों एग्जैक्ट हाफ हाफ हो जाता है। ये आप थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की ट्रिक डालनी पड़ेगी आपको, क्यू बाई टू बस। अब ये क्या कहता है, इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर विद्युत ऊर्जा पहले संधारित्र की तुलना में क्या होगी, तो दोस्तों आप देखो पहले की एनर्जी तो है q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है, ओके, अब क्या है q स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर, तो q क्या है q बाई 2, तो q स्क्वायर बाई 2c प्लस q स्क्वायर बाई 2c, तो q स्क्वायर बाई 8c, q स्क्वायर बाई 8c, तो ये क्या हो गया रे q स्क्वायर बाई 4c, ये क्या है q स्क्वायर बाई 2c, अब q स्क्वायर बाई 4c उसकी आधी हो गई, तो दोस्तों उसकी डिक्रीज्ड बाई आधी, 195 का आंसर दोस्तों क्या हो गया, एक पहले से हाफ हो गई। यहां ध्यान दें दो लॉजिक काम आए, बैटरी अठा दी, q कांस्टेंट रहता है, और यदि दो संधारित्र बिल्कुल एक जैसे हो और एक पे क्यू चार्ज हो दूसरे पे जीरो चार्ज हो, तो ये मान के चलो क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, आधा आधा चार्ज आपका डिवाइड हो जाएगा, इसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। ओके थैंक यू। डियर आप क्वेश्चन पढ़े एक बार, पहले पढ़ लिया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, एक आयताकार कुंडली है, एक रेक्टेंगुलर कोइल है, वो जो करंट बह रही है और वो किसी 0.85 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली को, इस कुंडली को आपको 180 डिग्री घुमाना है, तो इसके लिए आपको कितना कार्य करना होगा। दोस्तों ऐसे कंडीशन में कार्य का फॉर्मूला याद करो, एम बी कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल, और दोस्तों इसमें इनिशियल क्या है जीरो, तो कोस जीरो क्या होता है एक, कोस फाइनल क्या है 180, वो क्या होगा माइनस एक, तो ये एक माइनस माइनस एक होके दो हो जाता है, मन तो लिख रहे हो लिखा है, आपको चक्कर नहीं पड़ना, आपको याद रखना है, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कोइल को 180 डिग्री घुमा देते हैं, तो दोस्तों उसका आंसर हमेशा 2 MB आएगा। अब मेरे पास एम नहीं है, तो याद करो एम होता है एन ए आई, दोस्तों एन फेरे है या दिया हुआ है, ए एरिया नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं लंबाई गुणा चौड़ाई निकाल देंगे, आई करंट दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, प्लीज गुणा भाग थोड़ी सी बड़ी है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप खुद अपना कैलकुलेट कर लें, और इसका आंसर बिल्कुल दोस्तों फोर्थ नंबर आंसर आ रहा है 9.1 माइक्रो जूल, ये बाकायदा हमने गुणा भाग देखा बोर्ड पे, वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करें। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 197, वो कहता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज क्यू एंड एरिया इज, वो कहता आवेश क्यू के किसी समानांतर पट्टी का संधारित्र सी के क्षेत्र पे ए वाली धातु की पट्टिकाओं के बीच स्थिर बल क्या लगेगा। दोस्तों एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, आप जानते हो किसी भी एक प्लेट के कारण
इंटेंसिटी क्या पैदा होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। बस अब आपको इसका क्या चाहिए माय डियर, अगला आपको क्या पूछता है, फोर्स। फोर्स आप जानते हो हमेशा क्या होता है, लोग कलर चेंज कर दें आपके लिए ताकि समझ दिक्कत नहीं आए, एफ इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई ई। तो दोस्तों क्यू तो क्यू हो जाएगा, क्यू सिग्मा टू एप्सिलॉन जीरो। बस अब इसमें आप जानते हो डिस्टेंस का कोई चक्कर है ही नहीं, पट्टिकाओं के बीच की दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी के, पट्टिकाओं के बीच की दूरी के रेखीय अनुपात। दोस्तों पट्टिकाओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। याद करो किसी भी प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी है वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो है, इसमें कहीं भी दोस्तों डिस्टेंस नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर हो गया 4 नंबर। ओके थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 198, देखो ये प्रश्न क्या कहता है, मैं इस प्रश्न को आप पढ़ लो, एक बार लो पढ़ लिया, चलो आओ अगले पेज पे आओ। ये प्रश्न ऐसा है, ये कहता है कि किसी स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऊपर की ओर है, तो ये तरीका मैं बढ़ा दूं आपको, ये ऐसा समझ लो आप जानते हो कि इंटेंसिटी प्लस से माइनस है, ऊपर की ओर होगी। यहां कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं माइनस क्यू चार्ज कह दूं, ये नीचे गिर रहा है, तो देख इस पे mg किधर लगेगा, नीचे की ओर, ee किधर लगेगा, नीचे की ओर, वो दोनों मिलके इसको मोमेंट करा रही है ना, बस ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ma है वो किसके बराबर है, mg प्लस ee, क्लियर। आपके सामने a इक्वल टू क्या आएगा, g प्लस ee बाई m इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है यदि मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो दोस्तों डायरेक्शन चेंज करेंगे तो प्लस ऊपर जाएगा, माइनस नीचे आएगा, यहां फिर प्लस आएगा, फिर दो नीचे की तरफ आएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे ए जो प्रोटॉन है वो आएगा जी प्लस ई ई अपॉन ई, बोल दो क्यू बोल दो एक ही बात है, एम प्रोटोन ई तो चार्ज है ना, सेम है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि एम पी ज्यादा होता है, ज्यादा ना, प्रोटोन का मास ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो आपका ए पी कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन कम है, तो इलेक्ट्रॉन तो धीरे गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन तेज से गिर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा, प्रोटॉन बाद में आएगा। आइए देखें आंसर क्या है, देखें ये क्या कहता है, तो प्रोटॉन के गिरने के लिए समय कि तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा गिरने में लिया गया समय, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा समय कम लिया जाएगा, दोस्तों समय कम लिया जाएगा, आंसर हो गया 4। ये 10 टाइम लेवल नहीं कह सकते, बस कम लिया जाएगा, 10 टाइम कैसे कह सकते हैं, तो आंसर हो गया 198 का दोस्तों 4th। ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 199, ये क्वेश्चन दोस्तों 1D में आ चुका है, ये शायद भूल से दो जगह आ गया, ये वही क्वेश्चन है जो हमारी सीरीज में क्वेश्चन 37 है, हमारी सीरीज का 37 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200, सिल्ली मिस्टेक का बड़ा मस्त क्वेश्चन है। वो कहता है कि दो पॉइंट चार्ज हैं ए और बी, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस जो भी कोई आर है, इनके बीच लगने वाला फोर्स एफ है। अब ये कहता है कि ए का 25% चार्ज बी को भेज दिया, तो पब्लिक क्या करती है, इसका उठाती है 25%, तो इसको तो मान लो ये प्लस 100, ऐसे मान लो ये प्लस 100 है और ये माइनस 100 है। अब तो इसका 25 उठाएगा, ये कितना बचेगा, 75, लेकिन माइनस 100 में 25 जोड़ वो माइनस 75 हो गया, पब्लिक क्या करेगी, इसको करती है 75 और इसको करती है 125, तो ऐसा नहीं है डियर, तो ये आप ऐसा है ये 3q/4 है और ये माइनस 3q/4 है बस। तो f की वैल्यू तो क्या है, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और f डैश क्या हो जाएगा, रे k 3q/4 3q/4 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है डियर। थोड़ा सा अपने इसको इजी कर लें, तो तेरा वो f डैश क्या आ गया, 339 14, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर बटे r स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 अपॉन 16, तो f दोस्तों क्या हो जाएगा, F dash equal to, ये F है ना, तो F dash equal to 9F upon 16, 9F upon, खैर इसमें मुद्दे की बात ये है, ये 3/4 करना बस, ओके थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 201, आप देखें ये सारे आपको पढ़ा चुका हूं मैं पीछे गोले बना के। अगला कहता है दोस्तों एक R त्रिज्या का खोखला धातु का गोला है, होलो कंडक्टर, बस तो E की वैल्यू क्या है, तो याद है ना जब R less than R होता है तो E equal to 0 होता है, और R equal to R होता है तो E याद करो KQ/R² हो जाता है, और R दोस्तों जो greater than R होता है तो आप याद करो क्या बन जाता है, KQ/R² small r square। ये मैं आपको अच्छे से सारे गोले बना के पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आंसर नंबर 4 हो गया इसका, ये बात हो चुकी है, बने थैंक यू।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 202 आप देखो, 202, 201, 200 तीनों क्वेश्चन नीट 2019 में आए हैं, यानी तीन क्वेश्चन दोस्तों दिए हैं। इसका देखो सही प्रश्न क्या, देखो ये कहता अनंत विस्तार की को रेखी ऐसा है, साफ है अनंत रेखी का आवेश, पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इस पे दोस्तों प्लस आवेश है, एक फॉर्मूला होता सुन लो, इसके कारण आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी होती है 2k λ/r। लेमडा क्या है, यूनिट लेंथ का चार्ज है, आर इससे डिस्टेंस है, प्लस से दूर जाएगी। अब यहां क्या कह रहा है कि ये तो कोई प्लस है और ये कोई दोस्तों माइनस प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस टोटल क्या है 2r है, सेंटर पॉइंट पे, तो इसके कारण इंटेंसिटी इधर होगी, इसके कारण इधर होगी, तो अपन क्या कहेंगे 2k λ/r, इसके कारण भी क्या कहेंगे 2k λ/r, दोनों एक डायरेक्शन होगी ना, तो ऐड हो गया दोस्तों क्या बन जाएगा 4k λ/r। k क्या होता है 1/4πε0, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोस्तों λ/πε0 r न्यूटन पर कूलम आ गया। ओके थैंक यू। ओके दोस्तों, तो आज 13 अप्रैल को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर के क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिए। ये 13 अप्रैल के नाम पे हमारा 8वां लेक्चर है, 7 लेक्चर 11th क्लास के हो चुके थे, या 12th का पहला लेक्चर है जो अपलोड हुआ है। दोस्तों मैं एक बार फिर से अपील करना चाहता हूं कि नीट 2013 से नीट 2019 तक के फिजिक्स के प्रीवियस पेपर को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को रीसेट करके हम लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं। टोटल 360 क्वेश्चन है, क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये 7 साल है, बट बीच में नीट 2016 दो बार हुआ था, तो 8 पेपर हैं, 8 को मल्टीप्लाई करो 45 से, ये 360 क्वेश्चन है। 180 11 से आए थे, वो सोल्ड हो चुके, आज हम 180 से 1 से लेके 202 तक आए। ये 22 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेटिक और कैपेसिटर के हैं, इलेक्ट्रोस्टेटिक और कैपेसिटर से दोस्तों हर साल 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है डियर। तो इसी तरह से बिल्कुल अगली 4 या 5 क्लासेज में आपको नीट के फिजिक्स के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नो डाउट आप जुड़े हुए हैं सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल से, सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज से। और दोस्तों एक बात आज और करने जा रहा हूं कि हम लोग 11th 12th और टारगेट के ऑनलाइन बैचेज 16 अप्रैल गुरुवार से शुरू करने जा रहे हैं। 8th 9th 10th प्री फाउंडेशन के ऑनलाइन बैचेज 23 अप्रैल 2020 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके एडमिशन के प्रोसेस के लिए आप clcperivar.in हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप भरें और मात्र ₹10,000 टोकन मनी के रूप में आप ऑनलाइन संस्था में जमा करा दें। वो सारा clcperivar.in पे आप जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जब तक लॉकडाउन चलता है क्लासेज ऑनलाइन चलेंगी, लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद ये क्लासेज ऑफलाइन कन्वर्ट हो जाएंगी और ये आपकी फीस जो है वो आपकी संस्था उसी फीस में जो 96,000 टोटल फीस होती है सिस्टम की, जो भी आपकी स्कॉलरशिप होगी उसके बाद उसमें से आपके कम हो जाएंगे। फिर एक बात खड़ी होती है कि ऑफलाइन के बाद नए बैच स्टार्ट नहीं करोगे। दोस्तों हकीकत ये है कि सिस्टम तो स्टार्ट ऑफलाइन के बाद शुरू होना है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही होना, बट आपका समय का यूटिलाइज, आपका समय पूरा यूटिलाइज हो, इसलिए हमारे सिस्टम ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। 16 अप्रैल गुरुवार को हम इसका मुहूर्त करने जा रहे हैं। आज 13 अप्रैल है दोस्तों, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शूट हो चुके हैं, 16 को दोस्तों ये अपलोड हो जाएंगी। इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको किसी प्रकार से बात करनी हो तो आप सीएलसी के जो भी नंबर आपके पास उपलब्ध है, इंक्वायरी के नंबर हैं या मेरे नंबर हैं, लैंडलाइन बात नहीं करने, लैंडलाइन पे केवल गार्ड बैठे होते हैं, वो आपको कन्वे नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए एक विशेष पूरा एक सिस्टमेटिक स्लाइड के साथ कल एक अलग से वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जो कल अपलोड कर दूंगा। ओके दोस्तों थैंक यू, जय सीएलसी।